फ्रीलांस करियर शुरू करके अपने खुद के बॉस बनने का सबसे बेस्ट वे है पार्ट टाइम से शुरुआत करना। इसका मतलब है कि अपने रेगुलर जॉब या स्टडी के साथ ही पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग शुरू करना। ये ना ही सिर्फ आपकी इनकम को बूस्ट करेगा बट साथ ही आपको एक्सपीरियंस और लर्निंग देगा जिससे आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग करियर में स्मूथली ट्रांजिशन करके सक्सेस पा सकें। इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलो मान लीजिए आप फुल टाइम जॉब में हैं लेकिन आप एक फुल टाइम फ्रीलांस डीजे बनना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ सेविंग या रिसोर्सेज हों लेकिन फिर भी आपको अभी अपनी जॉब क्विट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रेगुलर हाई पेइंग डीजे गिग्स या प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि आप सस्टेन ना कर पाएं और आपकी सारी सेविंग और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएं। लेकिन आप पार्ट टाइम डीजे जरूर कर सकते हैं। आप अपनी कॉरपोरेट जॉब के साथ साथ वीकेंड्स में एज ए डीजे भी काम कर सकते हैं और अनुभव ले सकते हैं क्या ये आपका सही रास्ता है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, फ्रीलांसिंग की शुरुआत पार्ट टाइम करने से ना ही सिर्फ आपकी इनकम को बूस्ट मिलेगा बट आपको क्लैरिटी देगा कि जो फील्ड आप चूज कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसमें आपको काम मिल रहा है और मिल सकता है, क्या आपको उस काम में मज़ा आ रहा है, और आखिरी सवाल जिसका जवाब आपको खुद मिलेगा कि क्या आप इस पार्ट टाइम काम को फुल टाइम बना सकते हैं। पार्ट टाइम से शुरुआत करके आप अपने फ्रीलांस करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं, वो भी मिनिमम रिस्क के साथ। लेकिन पार्ट टाइम फ्रीलांस को भी बिल्डअप करना और इसे प्रॉफिटेबल बनाना वो भी कम समय में थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये आपसे आपका 100% डेडिकेशन और रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन मांगता है। आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, पार्टी करना या फिर अपने काम पर मेहनत करना। इसी के साथ साथ आपको डेली बेसिस पर क्रिएटिव और डिटरमिंड बने रहना होगा। इंक्लूडिंग मी, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम से ही लॉन्च किया।